गुड डेट्स फॉर मेष लगन, 19-20 मई फाइनेंस के लिए अच्छा रहेगा, 7-8 जून जॉब और बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, 27-28 मई स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, 22-23 मई और 5-6 जून ये जो लव करते हैं, लव का इजहार करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, 1-2 जून जो मैरिज जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनके मैरिज के लिए इस समय में रिश्ते आ सकते हैं, मैरिज के लिए अच्छी ऑफर आ सकती है, इस समय मैरिज संपन्न हो ऐसा यहाँ पर पता चलता है। केयरफुल डेट फॉर हेल्थ 29-30 मई के लिए, 29-30 मई का जो समय है ये हेल्थ के लिए, लीगल डिस्प्यूट के लिए, लोन इत्यादि के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। 3-4 जून को इस समय में आपके जीवन में ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, आपके जीवन में कार्यों के अंदर, प्रत्येक कार्य के अंदर आप थोड़ा सा परेशानी महसूस कर सकते हैं, मेंटली थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहें। 15-16 मई और 11-12 जून का समय, इस समय में आपका जो धन है वो किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है, कुछ दिन आपका डोनेशन इत्यादि के ऊपर भी खर्च हो सकता है। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए एरिस एसेंडेंट्स के लिए 15 मई से 14 जून 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए बात करते हैं। देखिए, ये जो समय रहने वाला है यह समय मेष लगन वालों के लिए विशेष खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। इस समय में उन्हें विशेष तरीके से कई प्रकार के फायदे प्राप्त होने वाले हैं और कई तरीके की चीज़ों में उन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, उनके विषय में बात करेंगे। देखिए, इस समय में प्लेनेटरी जो पोजीशन है वो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। मंगल ग्रह जो है 10 मई से 30 जून 2023 तक कर्क राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। इस समय में आपको, अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य, या आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं, घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, या आप कोई नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, तो परचेज करने की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका किसी प्रकार से आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उसके अंदर थोड़ा शांति बनाकर रखेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहने वाला है, ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से कोई वार्षिक संपत्ति आपको प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ते आते हैं परंतु कोई रिश्ता सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस समय में, आने वाले समय में। देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर पूरी कृपा है, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्तों का अरेंजमेंट करेंगे। अचानक से आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि भी आपके संतान के क्षेत्र पर है, एजुकेशन के क्षेत्र पर है। इस समय में जो स्टूडेंट है एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उन्हें अच्छे मार्क्स मिलना, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल पाना, अच्छे गुरु का लाभ प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ जो जातक संतान को कंसीव कराना चाह रहे हैं, पिछले समय में नहीं करा पा रहे थे, तो इस समय में थोड़ा सा केयरफुल लेकर के अगर चलेंगे, अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस कराएं, इसके साथ साथ कुछ डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के चलेंगे, तो इस समय में एक अच्छी संतान को वे कंसीव करा पाएंगे, संतान को कंसीव कराने की अपॉर्चुनिटी उन्हें प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों के संतान है, वे इस समय में अपनी संतान की एजुकेशन के और आध्यात्म के अंदर उन्नति होती हुई देखेंगे, संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम मिलना, कुछ धन लाभ आपको प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ संतान इस समय में प्रोग्रेस करेगी, लाभदायी स्थिति है। इसके साथ साथ ये समय कार्यक्षेत्र के लिए, कार्यक्षेत्र में आपको काफ़ी शांति बनाकर रखनी चाहिए। देखिए, कार्यक्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा, पार्टनर से भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, आप अगर जॉब भी करते हैं तो जॉब के अंदर जो कलीग्स हैं उनके साथ थोड़ा सा प्यार भरी भावना से आप बात करें, प्यार से बात करें। आप इस समय में आपकी वाणी के अंदर, देखिए वाणी के अंदर आपके ओज होगा, एक तेज जिसे कहते हैं, परंतु देखिए जो तेज होगा ये तेज कहीं ना कहीं आपके कार्यों के अंदर एक प्रभावी रिजल्ट आपको प्रदान कराने वाला रहेगा, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा प्यार से अगर आप टेक्निकल बात करके चलेंगे तो आप अपने जॉब, अपने व्यापार के अंदर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उसमें कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी उत्तम समय रहने वाला है। अब आगे डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ, उससे आगे आप देखें 15-16 मई के लिए, 15-16 मई का समय आपको थोड़ा सा परेशानी देने वाला रहेगा। ये समय मैंने केयरफुल डेट में डाला है, इस समय में आपका कुछ धन किसी प्रकार से आपके किसी
रिलेटिव, आपके फ्रेंड के लिए, उसकी हेल्थ के लिए यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में किसी न किसी प्रकार से आपको धन डोनेट करें, कुछ लोगों की हेल्प करें, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। ये समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्च कराने वाला रहेगा। इसके बाद 17-18 मई का समय, 17-18 मई का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने पर्सनैलिटी के अंदर कुछ चेंजिंग लाएंगे, अपने पर्सनैलिटी का निखारने का प्रयास करेंगे, अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। 19-20 मई का समय, 19-20 मई का समय आप देखेंगे, इस समय में आपके पास कहीं से फाइनेंस आए, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी, चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही, आपको इस समय में धन का लाभ होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप सिंह की गाड़ी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। 21-22-23 मई का समय, तो यहाँ पर 22-23 मई का जो समय रहेगा, ये समय अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशन इंप्रूव कराने के लिए, अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव कराने के लिए, इसके साथ साथ ये समय अगर आप किससे लव इत्यादि करते हैं, उनसे लव का इजहार करना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ ये समय शॉर्ट टर्म की ट्रैवलिंग टू ट्रैवल आपको दे सकता है, और अगर आप किसी प्रकार से कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करते हैं तो इस समय में उसके अंदर आपको सफलता मिलना देखा जा सकता है। इसके बाद 24-25 मई का समय, 24-25 मई का जो समय रहेगा, ये समय, इस समय में आप अपने घर, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने व्हीकल इत्यादि का आनंद प्राप्त करेंगे। उससे अगर कोई माता पिता से अगर कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो एडवाइस मिलने के, और धन अगर लेना चाहते हैं तो धन प्राप्ति के योग इस समय में आपको प्राप्त होते दिखाई देंगे। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपका ये समय आनंददायी रहेगा, लाभदायी स्थिति बनेगी। इसके बाद 26-27-28 मई का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय देखिए मैंने बताया भी है 27-28 मई का समय, इस समय में जो स्टूडेंट हैं अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उन्हें एजुकेशन में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए ये डेट को प्रयोग करना, प्रयास करने से लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप किसी प्रकार से कोई क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी इस समय में आपको प्रयास करने से अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। और अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इस समय में आप प्रयास करें, एडवाइस लेकर के चलें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 29-30 मई का समय, देखिए 29-30 मई का समय मैंने यहाँ पर केयरफुल डेट में डाला है। इस समय में आपको विशेष तौर से अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखिए अगर इस समय में हो सकता है कोई एनिमी आपको नुकसान पहुँचाने की चेष्टा करे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। और इस समय में अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, इसके लिए आप अप्लाई करें, डेट में आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में अगर आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से कुछ अच्छी एडवाइस लेना चाहते हैं, कुछ धन लेना चाहते हैं, तो इस समय में उनसे बात करना आपके लिए लाभदायी रहेगा। परंतु इस समय अगर आप किसी लीगल मैटर को, आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है उसके लिए इस समय में प्रयास करने से आपको सफलता प्राप्त होगी, लोन लेने में फ़ायदा होगा। परंतु हेल्थ के लिए थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल लेना और एनिमी से बचकर रहा जाए। इस समय में एनिमी किसी न किसी प्रकार से कोई निगेटिव एक्टिविटी आपके लिए कर सकते हैं, उसके लिए आपको केयरफुल लेना चाहिए। इसके बाद 31 मई और 1-2 जून का समय, तो 1-2 जून का जो समय रहेगा, ये समय जो मैरिड है वे समय में अपने अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे, लाइफ पार्टनर के साथ, इसके साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी जीवन अच्छा आपका व्यतीत होगा। और इस समय में आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ इस समय में किसी होटल में, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो। इसके साथ साथ अगर आप अपने पार्टनर से किसी प्रकार से कोई धन लेना चाहते हैं, कोई अच्छी एडवाइस लेना चाहते हैं, तो उसे प्राप्त करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 3-4 जून का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको थोड़ा मेंटली प्रेशराइज कर सकता है। इस समय में हो सकता है आपको किसी वार्षिक की संपत्ति का लाभ प्राप्त हो, और अगर आपका आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर थोड़ा सा मेंटली प्रेशराइज आप होंगे, परंतु आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये समय हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो जाए, उनके यहाँ जाना आपको पड़े। आपको थोड़ा सा इस समय में अपने एनर्जी लेवल को बना करके रखना चाहिए। एनर्जी लेवल इस समय में डाउन हो सकता है, थकान आप महसूस कर सकते हैं, तो थकने से बचने के लिए अपनी डाइट में एनर्जी देने वाले जिनमें अच्छी कैलोरी होती है, इस तरह के फ्रूट और वेजिटेबल को प्रयोग करें, लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप किसी प्रकार से कोई स्टूडेंट हैं, कोई साइंटिस्ट हैं या PhD इत्यादि कर रहे हैं,
तो इस डेट में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद 5-6 जून का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपको आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में लव रिलेशन इत्यादि अगर आप बनाना चाहते हैं, लव विकर किससे करते हैं उसके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ ये समय आपको थोड़ा धार्मिक बनाएगा, आप कोई रिलीजियस ट्रैवल कर सकते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं उसके लिए ये उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं उसके लिए वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए समय उत्तम रहेगा। इन कार्यों को करने से आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर किसी प्रकार से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कार्य करते हैं या गवर्नमेंट से जुड़कर कोई आपका कार्य है तो उसमें आपको अधिकारी वर्ग से लाभ मिलना, नेम फेम मिलना, कुछ धन लाभ हो जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 7-8 जून का समय, 7-8 जून का समय ये आपके कार्य व्यवसाय के, देखिए मैंने यहाँ पर भी नोट किया है, जो जॉबलेस है इस समय में जॉब के लिए कोई इंटरव्यू अगर डिजाइन कर सकते हैं, कोई इंटरव्यू दे सकते हैं, रिटेन एग्जाम दे सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। इस समय में आप जॉब के लिए जो भी कोई प्रयास करेंगे, छोटा सा भी प्रयास करेंगे तो उसका सार्थक रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये समय है जो है, ये समय आपको जॉब ज्वाइन कराने के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। इस समय में अगर आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो उस जॉब में संभावना बनेगी कि आप काफ़ी लंबे समय तक टिक करके कार्य करें और आपको समय समय पर प्रमोशन, इंक्रीमेंट इत्यादि मिलना देखा जा सकता है। और अगर आप किसी प्रकार से कोई बिजनेस करते हैं इस समय अंतराल के अंदर, आपके मन मस्तिष्क के अंदर बिजनेस करने के नए नए आइडियाज़ आएंगे कि ये बिजनेस कर लिया जाए, इसमें इतना फ़ायदा होगा। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इसके लिए डेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस ऐड करना चाहते हैं या कोई नया एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं तो उसे हायर करने के लिए या प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने के लिए इन डेट को अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये आने वाले समय में आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ से प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 10-11 जून का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आप अपने किसी न किसी प्रकार से धन के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे। हो सकता है मित्रों के साथ कुछ पार्टी इत्यादि आपको करने का अवसर प्राप्त हो, पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो, परंतु यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए पार्टी में अगर जाते हैं तो खाने पीने की चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा विचार करके अगर करें, खाएं पिएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। भक्ष्य अभक्ष्य चीज़ों का थोड़ा सा भेदभाव करके आप करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में मित्र आपकी अच्छी हेल्प प्रदान कर पाएंगे, मित्रों से हेल्प प्राप्त होना। इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो इस समय में प्रॉपर्टी देखने जाने के लिए समय उत्तम रहने वाला है। इस समय का भरपूर प्रयोग करें। इस समय में आपका नेम फेम किसी भी प्रकार से, अगर आपका नेम फेम बढ़ना है तो इस समय में नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 11-12 जून का समय, ये जो समय रहेगा 11-12 जून का समय, ये समय थोड़ा सा आपको परेशानी देने वाला रहेगा। इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्चा होगा, कुछ मेंटली परेशानी आप फील करेंगे, एक दबाव जैसी स्थिति इस समय में आपके साथ क्रिएट हो सकती है। ना चाहते हुए भी आपको कुछ धन किसी के लिए मेडिकल मेडिसिन पर खर्च करना पड़ सकता है। इस समय में विशेष तौर से आपको दान पुण्य इत्यादि के कार्यों के अंदर इन्वॉल्व रहना चाहिए। इस समय में दान पुण्य अगर आप करेंगे तो आपके आगामी भविष्य को उत्तम बनाने में आपको हेल्प करेगा। और इस समय में अगर आपसे कोई ऋण भी मांग सकता है, आपसे कोई ऋण मांग ले तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। इस समय में अगर आपको किसी की जमानत लेनी पड़ जाती है तो थोड़ा केयरफुल होकर के रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय थोड़ा सा परेशानी देने वाला समय होता है तो इसको थोड़ा सा संभल करके अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 13-14 जून का समय, 13-14 जून का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपके लिए उत्तम समय रहने वाला है। आपने पिछले समय में क्या क्या गलतियाँ की उन्हें सुधारने का अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके पास धन का आवागमन हो कहीं ना कहीं से, ऐसा भी पता चलता है। या कोई अच्छे एडवाइस, कोई प्रवचन, कोई गुरु गुरुतुल्य व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो जाए, उससे आपको आनंद की प्राप्ति हो, आनंद देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने आप को हेल्दी फील करेंगे, अच्छा अनुभव करेंगे, अच्छी चीज़ों का आप अनुभव करेंगे, अच्छा मन मस्तिष्क आपका कार्य करेगा, सभी प्रकार से आपको उत्तम रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो ये था मेष लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेपो देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेपो बने रहने के लिए आपका प्रेपो धन्यवाद। नमस्कार।